नितिका कोहली और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सफेद दाग, विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा। इसे मॉडर्न साइंस में लाइलाज या इनक्यूरेबल भी माना गया है। आयुर्वेद में इसका इलाज बहुत साल पहले बता दिया गया था। AHRC में हम सफेद दाग का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति पे करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ऐसे स्पाइसेस जो सफेद दाग के इलाज में फायदा करते हैं। सबसे पहला स्पाइस या मसाला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है काली मिर्च। काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। बहुत सी रिसर्चेस में ऐसा पाया गया है कि काली मिर्च में एक पाइपरिन नाम का तत्व है जो स्किन के कलर को रिगेन करने में हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल बेहद ही सिंपल है। आपको साबुत काली मिर्च 1 या 2 सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल नॉर्मल खाने में भी कर सकते हैं। दूसरा मसाला है हल्दी। हल्दी यानी कि टर्मरिक। हल्दी स्किन इन्फेक्शंस में काफी लाभकारी है, बट अगर हम खुजली या सफेद दाग के इलाज की बात करें या जिन लोगों को सफेद दाग के साथ खुजली रहती है वो हल्दी का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर अगर इस दूध का सेवन किया जाए तो खुजली में बहुत राहत मिलती है। तीसरा मसाला है अजवाइन। पेट में दर्द होने पर अक्सर अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता है, बट अगर हम सफेद दाग के इलाज की बात करें तो पेट में कीड़े होने पर अगर अजवाइन का सेवन किया जाए तो पेट के कीड़े दूर किए जा सकते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल रोटी में या ऐसे ही पानी के साथ किया जा सकता है। तो इन 3 स्पाइसेस का इस्तेमाल आप खाने में तो करते ही हैं, बट अगर एक सफेद दाग का रोगी इन्हें दवा की तरह और नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो सफेद दाग का इलाज बेहतर और अच्छा हो सकता है।